हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एवन स्टडी। आज हम बात करेंगे अपनी स्टिल ड्राइंग के बारे में। तो इस पे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आप लोगों को। अभी तक हम बात करें क्या क्या पढ़ चुके हैं। आपकी क्लासेस डेली आ रही है, थोड़ी स्लो आ रही है, बट कुछ दिन गैप हो गया था तो वो आपको पता ही, तबीयत खराब चल रही है उसकी वजह से गैप हो गया था। तो हम आगे चलते हैं। इस समय आप लोगों का चैप्टर सेकंड चल रहा था। पहले चैप्टर मैंने आपको ट्रस बता दिया था कि ट्रस किसे कहते हैं, बाकायदा मैंने बनाया था। मैंने कहा था अगर आप लोग इसको ड्राइंग पे बनाना चाहें, मतलब कैसे बनाते हैं, तो आप वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी थी। और चैप्टर दो में मैंने कहा था तीन ड्राइंग आप लोगों को पढ़नी थी। एक तो बीम टू बीम कनेक्शन बनाना था, बीम से बीम को जोड़ना था, ये मैंने करा दी थी आप लोगों को। फिर बात आई थी कि सर बीम टू कॉलम कनेक्शन भी है हमारे सिलेबस में। अब ये दो टाइप से था हमारा, एक तुमको फ्रेम्ड में जोड़ना था, यानी फ्रेम्ड टाइप से जोड़ना था आपस में ये, और एक मुझे जोड़ना था सीटेड। तो ये तो मैंने करा दी, आज मैं इसको कराता हूँ। इसको कराने के बाद फिर हमारा जो है कॉलम बेस फाउंडेशन वगैरह होती है वो हम करेंगे, यानी चैप्टर दो कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर तीन की फिर हम बात करेंगे अपनी। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोगों को बता देना मुझे कैसे आप लोगों को पढ़ना पसंद है, इसी तरह से मैं लाया हूँ अपनी ड्राइंग को बना के, टॉपर नोट्स से लिए, आप लोगों को पता ही टॉपर नोट्स उन्होंने ले रखी, उनको जानकारी है। देखो इससे पता क्या फ़ायदा होता है, ये तो फिर भी मैं ऐसी बनाऊंगा जैसे बनी हुई है, तो मैं यहाँ भी समझा दूंगा, मैं भी जल्दी समझा देता हूँ, आप भी जल्दी समझ लेंगे, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, तबीयत भी ख़राब चल रही है मेरी। तो पहले मेरा कह रहा मैं कि एक 3D व्यू है, मैं इसे समझा दूँ। देखो 3D व्यू की सोच रहे हो पेपर में कुछ नहीं मिलेगा ऐसा, तो बस आप लोगों से कहा इस ड्राइंग में कि एक कॉलम है, क्या है कॉलम है और एक बीम है। इसमें दो तरीके से बात करता था आप लोगों की, एक तो कहता था कि इसको फ्रेम में जोड़िए, एक कहता था इसको सीट में जोड़िए, सीटेड कनेक्शन कीजिए। अब ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, आज कौन सा हमारा वेडनेसडे है, यानी बुधवार है, तो हर वेडनेसडे को हमारी वीडियो आती है ड्राइंग की, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम चलता है, इस पर हम बात नहीं करते। तो ये फ्रेम तो मैंने आपको बता दिया, आज मैं बताऊंगा आपको सीटेड कनेक्शन। ये सारी चीज़ वही है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज भी हो जाएगा और जो बच्चे नए देख रहे हैं उनको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो आप लोगों से ये कहेगा पेपर में कि बीम टू बीम फ्रेम कनेक्शन बनाइए, ये बीम टू बीम सीटेड कनेक्शन बनाइए। फ्रेम हम पढ़ चुके, सीटेड पढ़ेंगे। आप लोगों से बस इतना ही कहेगा बनाइए, कुछ नहीं कहे देगा। फिर आप लोगों को ये वाला डायग्राम बनाना आपके सामने जो है, और ये 3D व्यू में इसलिए लाया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो एक कॉलम है आपका, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर भी मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ, इसे कहते हैं फ्लेंज। इसको क्या नाम देते हैं, फ्लेंज। और जो ये बड़ी वाली होती है इसको हम नाम देते हैं बेव। यही हमारा कॉलम है। अब मेरा कोई कॉलम खड़ा था इस टाइप से, मुझसे कहा कि सीटेड कनेक्शन में इससे क्या करना है आप लोगों को, एक बीम जोड़ना है। अब जब मेरा कॉलम इस तरीके से है, इसे 3D व्यू में देखूं तो ऐसे बनेगा 3D व्यू में, तो हमेशा या तो कॉलम को बीम से जोड़े, बीम को कॉलम से जोड़ो, फ्लेंज पर जोड़ा जाता है। कभी कभी हम जरूरत पड़ने पर इधर भी जोड़ देते हैं अपने बेव की तरफ, लेकिन बेव की तरफ जोड़ेंगे तो बेव वाला हिस्सा दिखाएंगे और फ्लेंज की तरफ जोड़ा तो फ्लेंज वाला दिखाएंगे, तो हमने फ्लेंज पर जोड़ा है। तो हमारा बीम जा रहा था ये, तो ये सीटेड कनेक्शन होता है, ये वाला क्लिट एंगल होते हैं हमारे, मैंने बताया था आप लोगों को। स्टील टेबल भी मैंने आप लोगों को बता दी कैसे देखते हैं, कमेंट जो आई थी कि सर स्टील टेबल बता देना, ये मैंने बता दी।
तो ये आपकी सीटेड होती है, एक सीटेड मैंने इधर लगाई, एक इधर लगाई, ये मेरा बीम जुड़ गया इधर, सेम साइड मैंने उधर किया, सेम प्रोसेस, ये बीम था इधर, ये लगाई। अब इसी का मुझे क्या बनाना होता है, एक तो एलिवेशन बनाना होता है और एक होता है मेरा फ्रंट व्यू। मतलब एक बार तो मैं इधर से देख के बनाऊंगा कैसे बनेगा, और एक बार मैं इधर से बनाऊंगा। यही दो चीज आपको पेपर में बनानी होती हैं, और इन्हीं चीजों पे हम इतना ध्यान देते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को 3D समझ में आ गया होगा व्यू, तो मैं इसके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, काफी बड़ा है ना ये। अरे आ जा, अब समझते हैं इसको हम। सबसे पहले मैंने फ्रंट व्यू बनाया, मैंने इधर से देखा। अब देखो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, मुझे ये पूरी लंबाई लेनी है, तो पता नहीं कितना होते, तो आप लोग क्या करोगे, एक ब्रेक लाइन लगा देते हैं हम बस, ये इस तरीके से आपकी ब्रेक लाइन होती है। अब जब मैं सामने से देखूंगा, मुझे ये वाली चौड़ाई दिखेगी इसकी, ये किस चीज की चौड़ाई है, क्या मेरा फ्लेंज है, तो फ्लेंज की चौड़ाई है यहाँ पे। अब ये कहाँ से देखें सर हम चौड़ाई, चौड़ाई आपको स्टील टेबल में देखनी है, जैसे आप लोगों को ISMB कॉलम दिया हुआ है, ये ISMB, ये एच बी है, एम, अच्छा एम बी पढ़ रहा हूँ, एच बी है, तभी तो कह रहा है एच कैसे हो जाएगा इसमें। देखो ये रहा मैंने कॉलम दिखाया हुआ है यहाँ पे, ISHB 350, यानी कि आप लोगों को स्टील टेबल में जाना है। जिनको स्टिल टेबल देखनी नहीं आती, मैंने वीडियो बना रखी है, देख लेना, जिनको आती अच्छी बात है। वहां पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं कॉलम वाले सेक्शन में ISHB 350 लिखा होगा, वहीं से आप देखोगे, वहीं ऊपर लिखा होता है कॉलम में कि ये वाली चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितना लेना, सारी चीजें हमारी लिखी हुई होती हैं, तो वहां से आप इसको देख लेना। स्टिल टेबल मैंने आप लोगों को बता रखी है, पेपर में भी आपको स्टिल टेबल दी जाएगी, ऐसा नहीं रटो, इनको रटना नहीं है, पेपर में आपको स्टिल टेबल दी जाएगी, वहां से आप इनको देख सकते हैं। तो जब मैंने सामने से देखा तो कॉलम था, मैंने कॉलम ऐसे ही बना दिया। अब ये चौड़ाई भी मुझे बनानी थी, जो ये चौड़ाई दिख रही है मुझे, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ, ये चौड़ाई आपको दिख रही है, ये चौड़ाई मुझे बनानी थी, ये जितना चौड़ा था मैंने 2 या 3 mm आता, ये मैंने पूरा बना लिया। अब इतना बनाने के बाद जब मैं इसे सामने से देख रहा था इधर से, तो मुझे एक तो ये बीम दिखेगा और एक ये बीम दिखेगा, सामने वाला दोनों दिखेंगे, तो ये बीम मैंने इधर बना दिया, इधर बना दिया। अब ये यहां से यहां तक कितना है, मैंने यहां लिख रखा है ये रहा, ये इतना दिया गया, ये बस आपको पेपर में दिया जाएगा कि हॉरिजॉन्टल बीम है, ये भी नहीं लिखेगा, बस इतना लिखेगा ये ISMB 250 @40.9 kg/m, ये लिखेगा बस, ठीक। तो अब यहाँ क्या करना है, 250 जो होती है, मैंने पहले बता दिया था, अगर कहीं ISMB 250, 500, 450, 300 लिखा हुआ है, तो ये वाली मेरी डेप्थ होती है, यानी यहां से लेके यहां तक जो है ये मेरी 250 है, यहां से यहां तक ये वाली जो है मेरी 250 है, ये क्या है मेरी 250 है ये वाली, तो 250 आप लोगों को दी होगी ये वाली 250। तो आप लोगों को ISMB सर्च करना है और अपने चले जाना कहां पर, स्टिल टेबल में। अब वहां से आप लोग क्या मिलेगा, एक तो 250 मिल गई है, यहां से यहां तक हमने हमारी 250 थी, क्योंकि ये वाले तो बनेंगे इतना, तो 250 स्केल वही लेना है, मैं हर बार आपको स्केल बताना पड़ता है, आप लोगों को पता भी होगा, 1:10 या 1:20, मैं प्रेफर करूंगा 1:10 ले लीजिए बस। तो जब मैंने इतना बनाया, 250 यहां से यहां तक हो गया, और फिर ये ब्रेक लाइन लगा दी मैंने, यहां भी ब्रेक लाइन लगेगी आपकी, इसमें लगाया नहीं क्वेश्चन में, यहाँ भी आपकी क्या लगेगी, ब्रेक लाइन लगेगी, और ये ब्रेक लाइन है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कितना ये, इतना हो गया। उसके बाद में मुझे इधर से ये वाला हिस्सा दिखेगा ना, क्लिट एंगल दिखेगा ना, ये भी तो लगाना है मुझे। अब यहां से आप लोगों को 8 mm का एक्सपेंशन गैप छोड़ना है। एक्सपेंशन गैप इसलिए छोड़ते हैं हम, ये देखो लिख रखा है मैंने, 8 mm का एक्सपेंशन गैप छोड़ना है। जब गर्मी आती है, समर चलती है हमारी, गर्मियों में जब गर्मी चलती है, समर वैकेशन जिसे समर कहते हैं इंग्लिश में,
गर्मी आती है तो इंक्रीज होती है, कुछ भी चीज़ इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने पे, और जब सर्दी आती है तो टेम्परेचर घटेगा तो डिक्रीज हो जाएंगे यानी घट जाएंगी। तो इसी को ये ज़्यादा फर्क ना पड़े, क्रैक वगैरह ना आए, उसके लिए एक्सपेंशन गैप दे देते 8 mm। तो जब मैं 1:10 का स्केल लूंगा तो 8/10 करूंगा तो 0.8 mm आ जाएगा, तो 1 mm हम इसको ले लेते हैं। 1 mm इससे हटाएंगे हम, इससे 1 mm हटाएंगे और अपना 250 mm ऐसे जाएंगे, और जितनी चौड़ाई होगी स्टील टेबल से ये वाली चौड़ाई देख लोगे आप फ्लेंज वाली, और इस तरह हमारा डायग्राम बन जाएगा। फिर हमारी क्लिट वाली बात आई, तो आप लोगों क्लिट में क्या करना है, वेव क्लिट की मैंने ये आपको लिख रखी है, दिख रही होगी आपको वेव क्लिट कितना है 100 110। इसका क्या मतलब है, इस तरीके से आपकी ये होती है 100, तो ये वाली होती ठीक सीधा बन जाएगा, देखो सीधा इस तरीके से होती, 2D व्यू दिखा रहा हूँ मैं इसको, आप लोग अगर इसको देख रहे हो तो 3D व्यू हो गया एक तरह से ये। इसमें क्या करना है आप लोगों को, ये सामने वाला हिस्सा ही तो बना सकते हैं हम, 2D में तो बना रहे हैं, फ्रंट एलिवेशन ही तो बना रहे हैं जैसा हमें दिखेगा सामने से। जब हम इसको बनाएंगे ये वाला हिस्सा मुझे दिखेगा सामने से, तो ये वाला तो मेरा होता है 10 और ये वाली जो होती है 100 होती है, और जितनी पीछे जाती है ये भी मेरी 100 होती है पीछे वाली ठीक। तो 100 mm ऐसे जाना है, 100 mm तो ये वाला जाना है, 10 mm ये जाना है। एक बार मैं इसको बनाई देता हूँ, सौ एम एम तो ये जाना है और 10 mm ऐसे जाना है, और ये बन गया आपको क्लिट। और 100 mm ये पीछे वाला हिस्सा होता है, इससे हमें कोई मतलब है नहीं क्योंकि हमें दिखेगा नहीं, इसलिए मतलब नहीं है। तो फिर इसमें हम प्लस का साइन लगा देंगे, ये जो प्लस का साइन है ये दिखाएगा कि हमारी क्लिट लगी हुई है, ये वाली प्लस का साइन लगा देंगे हम किसी निश्चित दूरी पे, 2 या 3 जितना आपका मन करे दे देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया फ्रंट एलिवेशन जो था, अब साइड एलिवेशन यानी इधर से देखना है मुझे। अब जब इधर से देखूंगा तो सबसे पहले तो ये कॉलम है ना पीछे वाला हिस्सा, ही कितना मुझे तो पता नहीं, यहाँ से यहाँ तक कितना था स्टील टेबल में आप देख लेंगे ISHB 250 की मदद से, तो इतनी आप लंबाई ले लेंगे अपनी, और ये ब्रेक पॉइंट लगा देंगे, पता नहीं कितना होता है क्योंकि कोई लंबाई नहीं दी ना हमने और ना देता ये। अब ये वाला पोर्शन मुझे बनाना है, इसको एक बार साफ कर देता हूँ यहाँ से, इसी पे समझेंगे हम पूरी चीज, क्योंकि अब मुझे ये वाला पोर्शन बनाना है, पीछे का तो मैंने बना दिया, तो आई टाइप का बना हुआ है। अब आप लोगों को ISMB 250 सर्च करना है, ये फ्लेंज वाली कितनी है, यहाँ से यहाँ तक फ्लेंज कितना है, इसकी मोटाई कितनी है, और ये तो 250 दे रखी है, तो आप मोटाई और वो देख के स्टील टेबल में इस तरीके से आई सेक्शन बना देंगे, 8 mm का गैप छोड़ेंगे और ये क्लिट लगा देंगे, 10 की ये और 100 ये और 2 प्लस के साइड। ये क्लिट क्यों लगाएंगे सर, जब आपने इधर से देखा अपना सेक्शन तो ये इधर को देखी थी हमको क्लिट, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दी थी। जब हमें इधर से देखूंगा तो मुझे ये क्लिट दिखेगी ना, ऊपर की भी दिखेगी और नीचे की भी दिखेगी, तो इसलिए बीम के दोनों साइडों में है क्लिट लगा दी। आइयो आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, और वीडियो को शेयर कर देना थोड़ा, और टेलीग्राम पर आप जुड़ जाना, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, स्टील स्ट्रक्चर स्टील ड्राइंग, चाहे आपका CMAD हो चाहे एस्टीमेट हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, आप मुझे टेलीग्राम पर भेज देना है, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 6396487734। इस पे क्या करना है, व्हाट्सएप भी कर देना, कोई क्वेश्चन हो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो बता देना। आज के लिए इतना ही, देखो मैं सोच रहा था आप लोगों जल्दी ड्राइंग खत्म हो जाए, क्योंकि बस मुझे पूछो, क्योंकि सच्चाई पता क्या है, ऑनलाइन क्या होता है, लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन कुछ नहीं, ऑनलाइन में ऑफलाइन में तो होते, कोई भी टीचर पहले नंबर तो हर कोई टीचर मेहनत करता है,
लेकिन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर मेहनत करता है। क्योंकि ये सब मैंने आप लोगों के पहले बनाया था, ये इसलिए बनाया क्योंकि अगर आपके सामने बनाऊंगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो आपका भी। तो मैंने भी सोचा मेरा तो उतना ही टाइम लगेगा, आपको पढ़ूंगा आके तो थोड़ा और ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि हर चीज़ को समझाता हुआ चलूंगा, लेकिन इससे आपका थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं होता और जल्दी समझ में आ जाता है। अब क्या जैसे मैं नहीं हूँ अब स्क्रीन पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में फिर।